अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। आज हम बना रहे हैं शलजम पालक गोश्त, जो अभी सीजनल वेजिटेबल है तो ताज़ा बनता है, तो बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल, इसमें मैंने 1 पाव बकरे का गोश्त डाला है, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसाले को हम। उसके बाद मैंने 1 कप के जितना इसमें पानी ऐड किया है, ये अंदाज़न गलने जितना पानी है। अब इसके अंदर 1 मीडियम प्याज जो है रफली स्लाइस करके डाली है और 1 बड़ा टमाटर जाएगा इसके अंदर छिलका उतार के और रफली चॉप करके, वो मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। पालक में क्योंकि थोड़ा कड़वापन होता है और शलजम में भी, तो इसलिए इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ मैं। अब इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गला लिया है। दूसरे पैन में मैंने वही 4 टेबल स्पून के जितना तेल लेके उसमें शलजम जो है छोटे पीसेस में काट लिए हैं, इनको थोड़ा फ्राई करूँगी। उसके बाद बारीक कटा हुआ ये हमारे पास पालक है 1/2 किलो, ये ऐड कर दूँगी। इसे भी हमें थोड़ा फ्राई करना है, इतना कि पालक जो है वो भुज जाए और फिर इसे हम पकने के लिए रखेंगे जब तक कि शलजम और पालक गल नहीं जाते। ये टाइम बचाने के लिए इस तरह से बनाया है मैंने। इतनी देर में हमारा गोश्त गल रहा है, इतनी देर में मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी वेजिटेबल्स को पका लें। इसमें 1 टीस्पून मैंने प्रीपेयर्ड जो कौरमा मसाला होता है वो ऐड किया है, 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी का ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी खुशबू दोबाला हो जाती है। ये गल गए हमारे शलजम और पालक जो है, इसका पानी खुश करना है बस। फिर हम इसमें गोश्त देख लेते हैं, अगर गोश्त भुन गया है तो वो भी ऐड कर लेंगे। गोश्त भुनने पे है हमारा, इसका भी पानी ड्राई कर लेते हैं। ये हमारा गोश्त भुन गया है तो अब हम इसको शलजम और पालक के अंदर ऐड कर देते हैं। इसका पानी भी तकरीबन ड्राई होने पे है। ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने। एक दफ़ा फिर इनको हम मिला के थोड़ा भूनेंगे, इतना कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और पानी इसका ड्राई कर रही हूँ। ये देखें, ये हमारा भुन गया है शलजम पालक गोश्त और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का, बहुत ही मज़ेदार शलजम पालक गोश्त तैयार हुआ है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।